असल वेलकम टू माई चैनल माइक मेटो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक न्यू ए आई इमेज जनरेटर नाम है फोकस ए आई टूडे वी आर डाइविंग इन टू द इनक्रेडिबल वर्ल्ड ऑफ ए आई इमेज जनरेशन यूजिंग फोकस ए आई हेयर इज़ द बेस्ट पार्ट यू डोंट नीड ए हाई एंड सिस्टम और अ फैंसी जी पी यू वेदर यू आर ऑन अ ओल्ड पी सी और अ पोटैटो पी सी यू कैन यूज विद द हेल्प ऑफ गूगल क्लेब्स स्ट्रेट फ्रॉम योर ब्राउजर

टॉप राइट कॉर्नर पे हमारे पास जो है वो करेक्ट का बटन है इसको क्लिक करेंगे और वेट करेंगे एंटिल कि ये ग्रीन हो जाए ओके okay हो जाए देन हम लोग मूव करेंगे नेक्स्ट जैसे ही ये okay ओके हो जाएगा हम लोग टॉप लेफ़्ट की तरफ जाएंगे यहाँ प्ले का बटन है इस प्ले के बटन को क्लिक करेंगे तो जो कॉम्फाई का जो कमांड है वो रन हो जाएगी और ये अपनी तमाम रिपोजिटरीज को डाउनलोड करना शुरू करेगा इट विल टेक सम टाइम बिकॉज के इसने मॉडल्स को भी डाउनलोड करना है और उसके साथ साथ उसके जो एक्ट्रीब्यूशन है उस सारे को उसने डाउनलोड करना है जिसके अंदर उसके कंट्रोल नेट्स वगैरह भी हैं तो हम लोग वेट करेंगे एंटिल कि ये कंप्लीट हो जाएगा जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम हम इसको लॉन्च करेंगे ये कंप्लीट हो चुका हुआ है अब आपने देखें कि ये हमारे पास गेयर आई क्यों इसको चलता रहना चाहिए अगर ये क्लोज हो गया तो हमारा लिंक जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाएगा गार्डियो लैब का ये लिंक होगा इस पर हम क्लिक करेंगे तो गार्डियो लैब पर चल जाएंगे ये बेसिकली कोलैब का ही नाइम है तो हम लोग आ चुके हुए हैं अब फोकस के इंटरफेस पर यहाँ हमारे पास नीचे एक ऑप्शन है एडवांस का इस पर जैसे ही हम लोग चेक लगाएंगे तो क्या होगा कि इसके एडवांस ऑप्शन जो हमारे पास सामने विजिबल हो जाएंगे स्क्रीन के ऊपर जहाँ से हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं अपने इमेज जनरेशन के वक्त कि हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी सबसे पहले जो है मैं इसके अंदर एक जो है वो प्रॉम्प्ट जो है पुट कर दूंगा और प्रॉम्प्ट पुट करने के बाद मैं नेगेटिव प्रॉम्प्ट जो हमारे पास राइट साइड पे नीचे पहना है तो वहाँ पर मैं नेगेटिव प्रॉप में इसको दे दूंगा देन मैं इसमें एस्पेक्ट रेशो सेलेक्ट करूंगा एस्पेक्ट रेशो में आप कोई भी एस्पेक्ट रेशो जो है वो ले सकते हैं जो आपको चाहिए होगा नेक्स्ट हमारे पास है इसका स्पीड क्वालिटी और एक्सट्रीम स्पीड तो मैं इसको स्पीड के हिसाब से जो है वो मेनटेन करूँगा नंबर ऑफ इमेज़ पर मैं एक बैच के अंदर फोर इमेजेस रखूँगा आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं स्टाइल पर हमारे पास तीन प्री लोडेड होते हैं फोकस मास्टर पीस फोटोग्राफिक और सैनीटिक जो है ना ये मैं इसके साथ ऐड कर लूँगा और साथ में इसमें कुछ एक इजाफे भी जो है वो ऐड कर लूँगा जो ज़्यादा मुझे अच्छा लगता होगा ज्योगनेट एक्सेल वर्जन जो हमारे पास ऑल डी डी है और एस टी एक्स एल ऑफसेट्स जो है वो एग्जाम्पलर है हमारे पास एडवांस में हम लोग आ जाएंगे यहाँ हम लोग इसकी क्वाली स्किल्स को है वो एडजस्ट करेंगे और इसके साथ साथ हम लोग इमेज की शार्पनेस को भी एडजस्ट करेंगे इमेज की शार्पनेस से ना इमेज ज़्यादा शार्प हो जाएगा ज़्यादा जो है वो अच्छा लगेगा दिखने में तो नीचे हम इसके मज़ीद ऑप्शन को तो नीचे ऑप्शन में आने के बाद हमारे पास सी एफ जी में मेकिंग होता है इसके हम सेटिंग करेंगे और हम सैम्पलर को और शेडूलर को जो है वो सिलेक्ट कर लेंगे सैम्पलर में डी पी एम पी पी टू एम एस डी यू जी पी यू जो है वो इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ सेटिंग हमारी ऑलमोस्ट तकरीबन कम्प्लीट हो चुकी है जनरेट के बटन पर क्लिक करते हैं इट विल टेक अ अल्ट विद टाइम टू जनरेट द इमेजेस तब तक मैं आप लोगों को ये बता दूं कि यहाँ पर आपने सेटिंग्स में किन किन चीज़ों का ख्याल रखना है इमेज जनरेट करते वक्त हम जो इसको देंगे जो गाइडिंग स्किल्स हैं वो हम फाइव से लेकर सात तक वो दे सकते हैं अपने इमेजेस को इसी तरह हमारे पास इमेज शार्पनेस है शार्पननेस आप तीन से आठ के दरम्या जो है वो दे सकते हैं थ्री टू एट बिटवीन जो है ये बेहतर है उससे हमारा इमेज है आपको जितना शार्प चाहिए होगा वो आप कर सकते हैं सी एफ जी जो हमारे पास में मेकिंग्स हैं स्टेनफर्स की इसमें हम लोग फोर टू सेवन जो है वो रेंज रखते हैं मिनिमम फोर और मैक्सिमम सेवन आप कोई भी जो है वो इसमें एडजस्ट कर सकते हैं सैम्पलर की अगर बात की जाए तो हमारे पास डी पी एम पी पी टू एम एस टी ई थ्री एम एस टी ई टू एम एस टी ई जी पी यू और थ्री एम एस डी ई जी पी यू ये चार जो हमारे पास सैम्पलर सबसे अच्छे होते हैं जिन्हें हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने इमेज क्रिएट करते वक्त इनको आप लोगों ने ट्राई करना है डिफरेंट जो है वो अपने एस्पेक्ट्स के साथ इस्तेमाल करना है साथ में हमारे पास शेडूलर होता है तो शेडूलर में हम एलर और कैरास ये दो शेड्यूलर को इस्तेमाल करते हैं इस टाइम मैंने कैरास को इस्तेमाल किया है बट आप इलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं दोनों शेडूलर को इस्तेमाल करने पर आपका जो रिजल्ट होगा वो आउटपुट थोड़ा डिफरेंट होगा इसी तरह से आप गाइडिंग स्किल्स और इमेज शार्पनेस और सी ये और सैम्पलर जो है ये जिस तरह तरह चेंज करते जाएंगे उसी तरह से आपके इमेज की आउटपुट जो है वो चेंज हो गया आपको डिफरेंट आउटपुट जो है वो देखने को मिलेंगी तो चलिए हमारे जो इमेज हैं वो तैयार हो चुके हुए हैं रेडी हैं अब हम इनको व्यू करते हैं और देखते हैं कि हमारे पास क्या जो है उसका रिजल्ट आया है इमेज हमारे जनरेट हो चुके हैं सो so, मैं इन पर क्लिक करता हूँ और अब इनको जूम इन करके देखते हैं कि इनकी क्वालिटी हमारे पास कितनी अच्छी आई है आप इससे बेटर क्वालिटी लेना चाहते हैं तो जो मैंने आपको आ, इसकी सेटिंग्स बताई हैं सैम्पलर्स की और इसके अलावा जो है शेडूलर uh, की और सी जी एफ स्केलिंग की वो आप सारी इस पर अप्लाई कर सकते हैं और डिफरेंट आउटपुट्स ले सकते हैं अच्छी ऐप है। उसी वक्त मिलेंगी जब आप प्रैक्टिस करेंगे आप अकॉर्डिंग टू उस लैंग्वेज मैं इस पर थोड़ी सी चेंज करता हूँ मैं फुल बॉडी व्यू करके दोबारा इसी पोस्ट को जनरेट कर लेता हूँ तो इस पर जो है वो जनरेशन के बाद हमारे पास कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी कुछ स्क्रीन के हमारे पास जो इमेजेस हैं वो फुल बॉडी व्यू के अंदर आ चुके हुए हैं डिफरेंट एस्पेक्ट्स वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके अंदर सेटिंग्स जो हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है सो so, आपने इनकी सेटिंग्स को मद्देनज़र रखना है आपने इनके सेटिंग्स का हमेशा से ख्याल रखना है कि आप जो इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं गाइडेंस इमेज है, या फिर सी स्कैनर या फिर सैम्पलर वो सारे आपने डिफरेंट इस्तेमाल करने हैं जिस तरह से आप उनको चेंज करते जाएंगे उसी हिसाब से आपको जो है इसके आउटपुट में भी वाज़ फ़र्क देखने को मिलेगा उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिला होगा मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू कमेंट्स इन द कमेंट बॉक्स